जैसा कि हम सोच रहे थे, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। हमारा मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है जेई मेंस और नीट के हिसाब से क्वेश्चंस करना है। जेई एडवांस के लिए हम बाद में अलग से क्लासेस लेंगे। जेई मेंस और नीट, इन दोनों ही परीक्षाओं में मुख्यतः एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि एनसीईआरटी बुक्स को अच्छी तरह से लर्न करें, उसके सारे छोटे छोटे पॉइंट्स उनको ध्यान से पढ़ें और फिर उसके बाद सारे फॉर्मूले को एक साथ इकट्ठे करें। मैं यहाँ पर वही काम कर रहा हूँ। सबसे पहले सारे फॉर्मूले जो इस चैप्टर के हैं उनको हम लिख रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जैसा कि आपको पता है कि पहला फॉर्मूला हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर यू ये इनिशियल वेलोसिटी है, वी ये फाइनल वेलोसिटी है और ए ये एक्सेलरेशन या त्वरण है, एक्सेलरेशन जिसको त्वरण बोलते हैं वो है। टी समय में इसका वेग यू से बढ़कर कितना हो गया है, वी हो गया है, तब उसके त्वरण का मान यदि ए है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस समय में तय की गई दूरी, इसका मान ज्ञात करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टी सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन टी सेकेंड। इसके पहले मैं एक और चीज बता दूं, ये सारे के सारे फॉर्मूले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, इसका मतलब एक समान त्वरण से गतिशील कण के लिए, असमान त्वरण से नहीं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये तीसरा फॉर्मूला है, इसमें अपने को टी एब्सेंट है। ध्यान रखेंगे सवाल में देखते समय, सवाल करते समय हमको देखना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। यदि हमें यू दिया है, ए दिया है, एस दिया है और वी निकालना है, यानी टी नहीं दिया है, तो उस समय हम इसका इक्वेशन करेंगे। लेकिन यदि टी दिया है तो उस समय एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का उपयोग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर टी एब्सेंट है। अक्सर आप लोगों को जो शुरू में सवाल करने बैठते हैं यही समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है कि ये वाला लगाना है। तो आप सबसे पहले देखें कौन कौन सी चीज़ गिवन है। हमेशा पुराना तरीका सबसे अच्छा है कि पहले जितनी चीज़ें दी हुई है उनको लिख लें और फिर उन चीज़ों को देख करके पता लगाएं कौन सी चीज़ें अननोन है जो हमको निकालना है और उनके बीच में रिलेशनशिप कौन सा याद है हमको। ये तीन बेसिक फॉर्मूले हो गए। उसके बाद आता है चौथा फॉर्मूला जो बहुत यूजफुल है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, एनवे सेकेंड में तय दूरी जो होती है यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। यहाँ पर ये याद रखना है कि फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, इनमें जो ट्रैवल डिस्टेंसेज होती है वो हमेशा डैश डैश, वो हमेशा वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव रेशियो डैश डैश टू एन माइनस वन में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर अपने को पता होता है कि पहले सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल 10 मीटर है तो दूसरे सेकंड में कितनी होगी, तो आपको पता है दूसरे सेकंड में उसकी 3 टाइम्स होगी, ठीक है, यानी जो भी वैल्यू दी है फर्स्ट सेकंड में उसकी 3 टाइम्स कर दोगे तो सेकंड सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगी। थर्ड सेकंड में निकालना है तो 5 टाइम्स कर दोगे। सेवंथ सेकंड में निकालना है तो 7 टू ज़ा 14 माइनस 1 13 टाइम्स कर देंगे। सो यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, वेरी यूजफुल फॉर्मूला। Now the fourth, fifth formula which is very useful is relative velocity of B with respect to A. Whenever two objects are traveling, जब भी दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं और इनकी वेलोसिटी भी A और V भी है, अभी तो हम सिर्फ कौन सा ले रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही शो किया है। ये V A वेक्टर से गति मूव कर रहा है A and other one is moving with velocity V B. Then relative velocity of B with respect to A is equal to velocity of B minus velocity of A. Now there are two conditions arising here. If the two objects are moving in same direction, then relative velocity is Vb mod minus Va mod. That means their velocities get subtracted in magnitude form. But when they are moving in opposite direction towards each other, then their relative velocity get added. That is Vb mod plus Va mod. Unke veg paraspar jode jaate hain. Kab? Jab opposite direction mein chal rahe hain. आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम ट्रेन से जाते हैं और अचानक दूसरी ट्रेन क्रॉस करती है तो ऐसा लगता है फॉर शॉर्ट वाइल कि हमारी ट्रेन रुक गई है, एंड अदर वन इज मूविंग विथ वेरी लार्ज स्पीड। दैट इज ड्यू टू सम ऑफ द वेलोसिटीज विच वी एक्सपीरियंस, दैट इज वी मॉड प्लस वी ए मॉड। ये वो दो कंडीशंस है जब सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में, बट यदि एंगल थीटा पर मूव कर रही है जैसे यहाँ शो किया है,
ये वी ए वैक्टर इधर शो कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है वी वैक्टर से, और एंगल बिटवीन दैम इज थीटा। तो उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इट इज रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी ए मॉड स्क्वायर प्लस वी बी मॉड स्क्वायर माइनस टू वी ए मॉड वी बी मॉड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी ए वैक्टर एंड वी बी वैक्टर। इन दिस केस वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर थ्योरम विच इज कॉल्ड पैरलोग्राम थ्योरम। इफ टू वैक्टर्स पी एंड क्यू आर एट एन एंगल थीटा, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय दैट डायगोनल विच पासिस थ्रू देयर इंटरसेक्शन। इसका यूज करके इसको फाइंड आउट किया हुआ है। सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन वी बी वैक्टर एंड माइनस वी ए वैक्टर, दैट इज अल्फा, देन टेन अल्फा इज गिवन बाय मॉड वी बी साइन थीटा अपॉन मॉड वी ए माइनस मॉड वी बी कॉस थीटा, मॉड वी बी कॉस थीटा। नाउ वी ए से हमको हमेशा एंगल किससे निकालना होता है, वी ए से, और हमने किससे निकाल लिया यहाँ, माइनस वी ए से। तो उसको ठीक करने के लिए वी ए वैक्टर से निकालने के लिए जो भी एंगल आपने अल्फा कैलकुलेट किया है उसको 180 माइनस अल्फा सॉल्व कर लेंगे। दैट विल गिव अस वैल्यू अ डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वी ए। क्लियर हुआ? तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग है। इसके साथ दो कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में ग्राफिकल क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी वेलोसिटी टाइम कर्व जनरली दिया होता है, और उसमें अपने को कुछ चीज़ें पूछी होती है। तो दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू मस्ट लर्न, दैट इज इफ वेलोसिटी इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दैन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम कर्व। इन दैट वेलोसिटी टाइम कर्व इफ इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट मीन्स जिसका त्वरण कैसा है, एक समान है, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ए बी, और स्ट्रेट लाइन का डेफिनेट एंगल होगा थीटा, दैट इज स्लोप, टेन थीटा इज स्लोप। वी शुड नो दैट टेन थीटा इज स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इन दिस केस दैट टेन थीटा दैट इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड इट इज वेल इट्स वैल्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन ए एम, हाइट अपॉन बेस, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसी का यूज करके आप फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ सेकेंड थिंग विच यू मस्ट नो, दैट इज एरिया विच इज प्रोजेक्टेड बाय दिस कर्व अलॉन्ग टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एरिया अंडर वी टी कर्व इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। नाउ इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन देन वी कैन इजिली फाइंड आउट इट एरिया, इट इज अ ट्रेपेजियम सो वी कैन इजिली फाइंड इट्स एरिया। बट इफ द कर्व इज नॉन कोलिनियर, इस तरीके का वक्र है जो कि एक सीधी सरल रेखा नहीं है, जो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ चीज देखनी पड़ेंगी। पहली चीज, आपको छोटे छोटे कई पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा पूरे एरिया को, और फिर हर पार्ट का एरिया निकाल के उसका सम करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। दैट्स व्हाई वी से दैट एरिया अंडर वी टी कर्व दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी फ्रॉम जीरो टू टी, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड्स। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट इन बिटवीन टी वन एंड टी टू, देन लिमिट्स विल बी टी वन टू टी टू। वी कैन ऑल्सो फाइंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ दिस, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल गिव अस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ इसका स्लोप जो होगा वो अभी भी ए वी पार्ट का स्लोप, वो क्या बताएगा, उस ए वी सेक्शन में एक्सेलरेशन को शो करेगा। इसका सीधा मतलब है इसके अलग अलग पॉइंट पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, अलग अलग, क्योंकि हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से उसका टेंजेंट लेंगे, दैट विल बी स्लोप ऑफ दैट पार्ट। क्लियर हुआ इतना? तो ये बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक, इसको अच्छे से नोट कर लें आप लोग, और फिर उसके बाद अपन इसके बाद सेकेंड इसके कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, दोज न्यूमेरिकल्स विच आर आस्क्ड इन जेईई एंड नीट, ठीक है। उसके बाद एक शीट दूंगा मैं 15 क्वेश्चंस की, उन 15 क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप व्हाट्सएप पर मेरे को बताएंगे, ठीक है, ताकि मैं दिन भर उनको स्टडी करके कल उसके आंसर्स आपको दूंगा। आज अपना स्टार्ट है, इसलिए आज बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट अपन कुछ चीज़ें सीखेंगे, और कोशिश करेंगे कल तक बिल्कुल 100% परफेक्ट हो जाए अपन इस पर। ओके, देन वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स।